डर है क्यों? सच कह रही है। अरे 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 वो देखो वो देखो, कमला और उसकी माँ। अरे कमला की माँ, तट पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आ तो जाए, परंतु कहीं कोई देख ले तो। अरे तो का केवल तुम्हें ही देखेगा, हमें नहीं देखेगा क्या? अरे कोई नहीं आता इस समय, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम सब कहती हो तो आ जाती हूँ। चल कमला तू भी स्नान कर ले। कमला कितना शर्माती है ना। बड़ी मजा आ रही है। आजा आजा कमला आजा आजा। आजा आजा कमला आजा आजा। अरे क्या देख रही है? कोई नहीं आएगा, घबरा मत, हम तो प्रतिदिन यहाँ स्नान करती हैं। अच्छा तो तुम लोग प्रतिदिन आती हो यहाँ? वही तो मैं कहूँ कि नित्य प्रति ये सब की सब एक साथ कहाँ चली जाती हैं? चिल्लाए जा रही है, आजा ना। अरे मौसी वो देखो, वहाँ तट पर हमारे वस्त्र नहीं है। क्या? देखा, मैं ना कहती थी कोई आ जाएगा। अब क्या होगा? हमारे वस्त्र कहाँ गए? अरे कौन ले गया? ये अवश्य ही उस नटखट का ही काम है। कौन? कन्हैया? और नहीं तो कौन? तुम ठीक कहती हो मौसी, वो देखो वो बैठा है हमारे वस्त्र लिए। कान्हा पहले तुम मुझसे क्षमा मांगो। अरे किस बात की क्षमा, किस बात की? तुम लोग मेरा उल्हाना लेकर मैया के पास जाते हो, इस बात की? देखो हट ना करो कान्हा, वस्त्र वापस कर दो। हाँ तो बोलो, अब कभी जाओगी यशोदा मैया के पास उल्हाना लेकर? देखो कान्हा, देखो ऐसा करना क्या तुम्हें शोभा देता है? बोलो तुम हा? तो इतने अच्छे हो, कितने बड़े मुखिया के पुत्र हो। देखो जल कितना शीतल है, हमें ठंड लग रही है कान्हा। क्षमा मांग लो, नहीं तो कान्हा कभी हमारे वस्त्र वापस नहीं करेगा। हाँ कान्हा, हम सब क्षमा मांगते हैं। अब हम कभी तुम्हारा उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाएंगी। हाँ तो ठीक है, तुम सब अपने अपने कान पकड़ो। लो, लो पकड़े कान। ठीक है कमला तुम भी पकड़ो। हाँ हाँ लो मैं भी पकड़ती हूँ। आश्चर्य है, ये तो यहाँ देख भी नहीं रहा था, फिर इसे कैसे मालूम हुआ कि मैंने कान नहीं पकड़े? अब तो दे दो वस्त्र। लो कितनी कठिनाई से इसने हमारे वस्त्र वापस किए। चलो चलो चलो, आज तो बच ही गए हम। क्षमा न मांगते तो न जाने क्या हाल होता। ना हम यशोदा मैया के पास उल्हाना लेकर जाती, ना ये दिन देखना पड़ता। पर क्या करें, कान्हा को देखे बिना मन भी तो नहीं भरता। यशोदा मैया को तो हमारा विश्वास ही नहीं होता। हाँ, देखो तो कितना उदंड हो गया है कान्हा। हाँ, हाँ, अच्छी बात उदंड हो गया है। अब तो ये कान्हा का नटखटपन कुछ अधिक ही बढ़ गया है, औने दो आज देखती हूँ इसको। लगता है वो सब गोपियाँ कह गई हैं मैया को। मैया मैया, क्या है, क्यों चिल्लाया जा रहा है? बहुत भूख लगी है मैया। कुछ नहीं दूंगी तुझे, आज तूने मेरी नाक कटवा दी। अभी तक तो केवल गोपियों की मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था, उपद्रव करता था, अब तू इतना निर्लज्ज हो गया है कि स्नान करते स्त्रियों के वस्त्र चुराने लगा। परंतु मैया मैं तो आज तेरी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, रह भूखा रह। अरे उन गोपियों ने आकर तो मैया को सब बता दिया और मेरे सामने कान पकड़कर वचन दिया था कि हम मैया से कुछ नहीं कहेंगे।
मैंने तो उनकी बात पर विश्वास करके वस्त्र लौटा दिए। मैं वस्त्र नहीं देता तो कैसे आती मैया के पास? मैया, ओ मैया, मैया मैया ना चिल्ला, जा जा दूसरों के घर, वस्त्र चुरा माखन चुरा। ये क्या, मैया तो अत्यधिक क्रोधित हो गई। तो ठीक है, पहले मुझे खाना तो दे दे, फिर क्रोधित हो जाए। ठीक है, मैं भी भूखा थोने न रहूंगा। चला गया क्या? बड़ी शांति सी है, मैं भी कैसी बावली हूँ, आते ही क्रोधित हो गई। भूखा प्यासा आया था, खाना भी नहीं दिया। चलो देखो कहाँ गया। कान्हा, कान्हा, हाँ, ये क्या? अच्छा तो ये बात है, भूख के मारे रूठ गया मेरा लल्ला। कान्हा, 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 ओ लल्ला। अरे अच्छा, तो मैं तेरी चिंता में मरी जा रही हूँ और तू यहाँ बैठा बंदरों को माखन खिला रहा है। चल चल तो। मैया सुनो तो मैया। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी, बहुत उद्दंड हो गया है। तेरे उलाहने सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। कभी किसी के घर में माखन चुराता है, कभी किसी के वस्त्र चुराता है। अरे मैया, अब तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरे ममता के बंधन में बंधा हूँ। समझता है कि मैं तो मैया का लाडला हूँ, इसलिए मैया मुझे दंड नहीं देगी, है ना? अब जब तक मैं आकर ना खोलूं, रस्सी को खोलना मत, नहीं तो भोजन भी ना दूंगी। अब पड़ा रही यहीं पर। ठीक है मैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैया ने रस्सी खोलने के लिए मना किया है, परंतु कहीं जाने के लिए नहीं, मैं तो जाऊंगा। बलदाव, मनिया, माधो सभी इस समय खेल रहे होंगे।